सुना सुना बेटा। दादाजी को रबेश देख ले। हेलो हेलो चाचा भैया थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। हेलो 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 चल बेटा बोलो। अभी अभी आपके समक्ष अरुण दादा कह रहे हैं मैंने खंडगीत दिया था। हमने अपने गीत में ये बताया कि दादाजी तारा रानी मरघट पर खड़ी हुई है अपने पुत्र रोहिदास को लेकर और वो समय को कह रही है कि समय ने ऐसा कैसा खेल रचा दिया जो कि आज मेरा पुत्र मरी अवस्था में मेरे गोद में है और साथ में मेरा अवध राज्य भी छूट गया, सिर का सिरवा ताज भैया ने घर द्वार भी छूट गया। तो बता रहे हैं जिसने भी इस गीत को लिखा है चलो आइए दादाजी आपकी सोच जो है ना जहाँ तक चल रही है बस वहीं तक काम करेंगे। बताओ पूरा बारह बार के लिए बैठे हो और क्या और एक पंक्ति भी नहीं आ रही है। कम से कम 15-20 लोग चाय पी रहे हैं बैठ करके देखो इसमें फालतू वाले हैं। अब किसी का पुत्र मर रहा है तो इनको खुशी हो रही है। जरा सा दोबारा लाइनों को फिर सुनिएगा। कहना क्या पड़ा कहो बेटा। हमने कहा हाँ हमको तो बता रहा है कि जिसने लिखा उसको खड़ा करो। अब मैं कहता हूँ इस जवाब को जिसने लिखा उसको खड़ा कर दो। उसको फोटो खींच के बाराबंकी चौराहे पर टंगवा देंगे। नहीं नहीं टूट लगा है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत दूर तक चला जाएगा आपका फोटो। ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा और नहीं खाओगे। 15-15, 20-20 कलमों से जवाब लिखा जा रहा है एक पंक्ति भी नहीं आ रही है और क्या। और मैंने एक गीत और दिया था कौन सा कि बाघम पर हुआ पूरा
क्या? और आप जवाब में क्या ला रहे हैं? हाँ बताओ बेटा। कि भाग गए हम लोग को लेकिन आया नहीं वो दोबारा है। हाँ। और जिस गज यानी जिस गज का सर काटा हुआ था चरम उसी का पहना था। ये और सारे जगत में पसंदा है यही जवाब रात भर आज आनंदित है। चलो वैसे तुम्हारा पूरा मंडल पागल है तुमको कुछ कहने ठीक नहीं है। नहीं नहीं रात में सब इकट्ठा रहे खाली दिन में कहना पड़ा कि पर्वत ऊपर खिड़की खोले क्या है पर्वत ऊपर खिड़की खोले और छाके सुंदर भोर चले पवन सुहानी और नदिया के ये राग रसीले झरनों का ये शोर बन झर झर और कहना क्या पड़ा क्या बहुत प्रिय का चुनाव चिन्ह होगा। अरे मतलब सिधाई का फायदा आवे न जाए चुनाव चिन्ह गाय आपकी पंक्ति आदि दादा जी एक पंक्ति आपकी आई तो कहना क्या पड़ा कहो बेटा कहो क्योंकि कुत्ता टेढ़ा टेढ़ा चलता और सांप चले टेढ़ा। अच्छा बेटा सही कहा अगर कुत्ते को डंडा मारो तो टेढ़ा भागे सीधा तो चलिए ना वो दादाजी आपके जैसे पागल कुत्ता ही टेढ़ा चलेगा क्योंकि वो अच्छा भला वो टेढ़ा नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ पागल कुत्ता सीधा भागे या टेढ़ा भागे? पूंछ तो टेढ़ी होती है लेकिन कुत्ता चलता तो सीधा ही है। क्या बताए आपकी सोच है गलत दादा आप समझ लो कि ऐसी बातें पागल ही कर सकता है। ऐसी ऐसी गीत ला रही है कि कुत्ता टेढ़ा टेढ़ा चलता सांप चले टेढ़ा सांप सांप तो सत्य है अयो कहे चौधरी और का खैर ये आपकी बात है आइए प्रयास Thank you.
क्या बेटे? देख देख के नकल उतारे जवाब बंदर मानो जैसे करता है क्या वैसे ही सेम बंदर भी करता है। हाँ, अगर डांस करोगे तो डांस भी करेगा। देख देख के नकल उतारे हर मानो की बंदर ओ सुने बात ध्यान से ये। और तोता मानो जैसी बोले तोता अगर गड़गड़े में पला हुआ है अगर जैसे ही इंसान बोलता है सेम वैसे नकल उतार कर बोलता है। तोता मानो जैसे बोले है पिंजरे के अंदर और सुने बात ध्यान से तो कहना क्या पड़ा क्या कि पुरखा पुराने कहिए ओ पुरखा पुराने कहिए बात जमाने की है और झूठ बात न सच सोलाने की है। ये क्या बात है? ये होता है जवाब क्या उसका जवाब? हाँ, ये और बिल्ली का जवाब। अब दोबारा इसे गीत मत गाना। अरे अंकल दादा जी कभी हम आप समकक्षी थे आज फिर से कलम उठवा ही दिया। वही महेश
कि अब तो तुम्हारे बिना, अब तो तुम्हारे बिना देख ली सुहतिया कोई जाने की बिहार पचारे चलिया मेरा वाखबरिया चारे चलिया मेरा वाखबरिया क्या बेटे समझ में आ जाएगी। अरे दादाजी आपके जैसे मेरे मंडल में पागल लोग सब समझदार हैं। भैया अरदास में ज्यादा मिलगा हो आपने एक रुपए की बात बताई है कि माता बनी है, यानी रुपए की बात की है कि माता बनी है चार लाल की और एक रुपए को आपने नारी बनाया है और उसी नारी की चार चार लाल बताए हैं। तो जवाब सुनिए एक अध्याय और कहना पड़ा और क्या आज दादाजी जी
उस चरित्र जो बिना रहे और आगे की पंक्तियां कह रही हैं कि चारों दिशा में उस शोभा सुहाती और चारों पुत्र हैं और तीस नाती और क्या महीने में 30 दिन महीने में 4 सप्ताह और महीने में 4 सप्ताह और क्या 4 पुत्र इसको नोट कर ले कभी काम देगा तो कहना क्या पड़ा सात है देवर सात है देवर सन में रहते सात है देवर सन में रहते और सुंदर सारे परिवार और एक विवाहित दो पति संग में एक विवाहित दो पति संग में शरीर जो चलो बेटा बढ़ावा दे कहना है या बेटे आइए अपनी ओर से छोटा सा गीत जो कि फिल्मी दुनिया कह रही है क्या कह रही है आदरणीय दादाजी हाँ अपनी गीत को भी सुने और पंक्तियों को भी सुने क्योंकि अगर सुनोगे नहीं तो हम बार बार ऐसे बोलेंगे हाँ हाँ अब की नहीं सुनोगे तो ठीक नहीं लिख पाओगे इसलिए कहते हैं पहले गीत को सुनो फिर उसके बाद लिखो लिखना पहले शुरू हो जाते हो और सुनते बाद में हो इसलिए लिख नहीं पाते हो पहले सुनो सुनिए गीत बजा कौन सा बेटा कि तूने प्यार बाजा
क्या रामायण में दादा दीदी रामायण में चौपाई मिलती है जो कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा बेटे? और जब लिखा है तो कुछ कहना है कहो बेटा कहो कि जय जय गिरवर राज किशोरी ये है और जय महेश मुख चंद्र चकोर ये और जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में चौपाई लिखी तो कुछ बात भी आई आज भी दादाजी कहना पड़ा। माता रानी माँ गौरी के मंदिर में माता सीता जाकर माँ के चौखट के सामने मैया से कहती माँ गौरी से कि ऐ माँ कि दिल को दिल अवस्थी की ढोलक है। चाचा जी सुबह एक लीटर दूध और मिलेगा। पेंटिंग पड़ा दूध तुम्हारा पेंटिंग में है। दिल को दिल से मिला दो माता सीता कहने लगी माँ गौरी दिल को दिल से मिला दो महारानी वो मेरे दिल के राजा वो मेरे दिल के राजा ओ मैं उनके दिल की रानी हूँ। कहने लगे माँ दिल को दिल से मिला दो महारानी वो मेरे दिल के राजा ओ मैं उनके दिल की रानी। क्या बात है क्या बात है मंदिर में ओ
अच्छे बहुत अच्छे बेटे। दिल में जागी है इधर देखो ऐसा ना हो। आइए दूसरी पंक्ति में कहना है माता सीता कहने लगी है भैया कि दिल से कहो बेटा कहो। माँ कहने लगी कि ए बेबी कहने लगी है बेटी कि कभी न तेरा दिल टूटेगा। माता सीता से माँ गौरी कहने लगी ऐ पुत्री कभी न तेरा दिल टूटेगा ओ दिल को मिला तू दिल से। जा मैं तुझको आशीर्वाद देती हूँ कि
सुनिएगा दद्दा इसको भी। हाँ हाँ पहले आपको संकेत करना है और क्या, क्योंकि आपको गाना है हाँ। जनता जनार्दन को तो सिर्फ सुनना ही है, इसलिए कहना क्या पड़ा क्या कि रेलिया जहर का दिया
आपके समक्ष आ रहे हैं। आदरणीय दादाजी, अपने सभी सक्षम साथियों के साथ आप लोग का कार्यक्रम सुने, पुनः फिर आपकी सेवा में धन्यवाद। अरे परम सम्मानीय आदरणीय दादा बड़े भैया सानू श्रीवास्तव, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे एक नाल वादक हैं, आपकी ओर से 21 पंद्रहों का आशीर्वाद है। बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना।